क्योंकि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन किसको बरगला रहा है और कौन बिहार को लूट रहा है और कौन बिहार को मजबूर कर दिया है मजदूर फैक्ट्री बनाने में। जो बिहार एक साल में इतनी वैकेंसियां दे रही है, दे सकती है, वो बिहार 15 साल में क्या कर सकती थी? 15 साल में तो हमको लगता है बिहार मुंबई को पीछे छोड़ देता। वो जो बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चले जाएंगे, लेकिन असल में यह बात है कि लोगों को हवाई चप्पल तक नहीं जुट रहा है। अरे बिहार में तो नीतीश कुमार को जानते हैं, वो अपना गांव में खड़ा हो जाएगा, वार्ड सदस्य भी नहीं जीतेंगे। एक पोस्टर बहुत बड़ा लगा हुआ है कि नीतीश सबके हैं, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि नीतीश खुद खुद के हैं। उनका जो ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए लागू होता है। बीजेपी पार्टी का एगो कुत्तो रहेगा ना और बीजेपी में जुड़ जाएगा तो उसका विकास तय है। शेर जो है ना बूढ़ा हो जाएंगे लालू जी, लेकिन शिकार करना कभी भूलेंगे नहीं। जो नीतीश जो कुर्सी कुमार बनते हैं, आने वाला समय में कुकुर कुमार हो जाएंगे, देख लीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए 24 का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पूरे विपक्ष को जिसने एकजुट किया, इंडिया अलायंस का उन्होंने निर्माण कराया, और वो खुद आज इंडिया अलायंस को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ऐसे में कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन लोगों से जानेंगे नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, क्या 24 में धमाल मचा पाएगी, क्या कमल खिलेगा या फिर बदला होगा। सीधे जुड़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है 24 में इस बार क्या होने वाला है? 24 में कुछ नहीं होने वाला है नीतीश जी, और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। क्योंकि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन किसको बरगला रहा है और कौन बिहार को लूट रहा है और कौन बिहार को मजबूर कर दिया है मजदूर फैक्ट्री बनाने में। जो बिहार एक साल में इतनी वैकेंसियाँ दे रही है, दे सकती है, वो बिहार 15 साल में क्या कर सकती थी? 15 साल में तो हमको लगता है बिहार मुंबई को पीछे छोड़ देता। अगर जिस रफ्तार में एक साल बिहार का विकास हुआ, अगर उस रफ्तार में हर साल बिहार का विकास होगा, तो सिंपल सी बात है कि 15 साल में आप क्या किए आप दोनों मिलके? जिसके पास नीतीश जी फिर से गए हैं, उसके पास तो नीतीश जी पहले भी थे, पहली बार थोड़ी ना गए हैं। 5 से लेकर अभी तक अगर हम बात कर ले, कुल 18 सालों में मात्र 3 साल आरजेडी के साथ रही है, 15 साल तो आप उसके साथ ही थे। तब आपने बिहार के लिए क्या किया? तब आप कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं तब आपने बिहार का खेल व्यवस्था सुधारा? क्यों नहीं तब आपने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारी? क्यों नहीं तब आपने बिहार के लिए रोजगार के लिए सोचा? क्यों नहीं सोचा? तब आप कहाँ थे? तो सिंपल सी बात है, जनता अब समझ रही है, और खासकर नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता अब हो गई है 0/0। अच्छा, 0/0। हाँ, 0/0 इसलिए हो गई है कि जिस इंसान का भरोसा नहीं है, जो बार बार पलटी मारता हो, एक बार नहीं चार बार, ये चार बार था, ये पचमा बार पलट, नौवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। सोचिए ना कि ये कैसे मुख्यमंत्री है जिनको अपने ही पद का शपथ लेना पड़ रहा है बार बार। मतलब जनता नहीं बना रही, ये खुद बन रहे हैं जबरन। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी और नीतीश की जोड़ी कमाल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, क्यों? ऐसा नीतीश जी कमजोरी बन जाएंगे मोदी जी की। ऐसे भले मोदी जी कुछ ले भी आते, लेकिन नीतीश जी के रहन सहन और बिहेवियर के वजह से जो भी आने वाला था ना, वो भी सफाचट हो जाएगा। क्योंकि नीतीश जी का बिहेवियर पूरा बिहार समझ चुका है कि नीतीश जी किसी के नहीं है। एगो पोस्टर बहुत बड़ा लगा हुआ है कि नीतीश सबके हैं, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि नीतीश खुद खुद के हैं, नीतीश किसी के नहीं है। अगर नीतीश जनता के होते तो जनता के हिसाब से वो आज पर सत्ता पे काबिज होते, अपने हिसाब से नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए जो देहरादोरा नीति बार बार अपना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच जो इनको इनके अंदर बैठ गया है। इनको इस बात का डर था कि एक साल में जो क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल रहा है, कहीं आने वाले समय में लोग हमें हटा कर तेजस्वी को ना ये गद्दी दे दे, जिस डर से वो बीजेपी में गए हैं। लेकिन वो होना तय है, इसके बावजूद भी वो होना तय है, क्योंकि बिहार की जनता अब समझ चुकी है वो किसी भी कीमत पे नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएगी, चाहे कुछ भी कर ले। बार बार पलटी मारते हैं, बार बार वो चले जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री वही होता है तो फिर क्या फायदा है? मुख्यमंत्री तो वो पलटी मार के होते हैं ना, 10 को छोटी छोटी पार्टी इधर उधर करके होते हैं ना, अपने दम पे ला के दिखाए ना, बन के दिखाए नीतीश कुमार अपने दम पे। जैसे वो 2005 में बहुमत के साथ बिहार में आए थे, अब वो आए ना, अभी 45 पे गए हैं, आने वाले समय में 20 पे या 5 पे पहुंच जाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना 2005 से कैसे इनका ग्राफ जो है गिर रहा है, और जो इंसान अपनी विश्वसनीयता खो देता है, आने वाले समय में उसका ग्राफ 0 नहीं होगा, नीचे जब जा रहा तो 0 पे ही ना जाएगा, जा रहा है। बिहार में जितनी लोकसभा सीटें हैं, 40 में 40 एनडीए लाएगी अपने खाते में, वो तो बताएगा समय, बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो देखने की चीज है। और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस प्रकार से घट गई है, वो 16 सीट की बात कर रहे थे जब आरजेडी
कमेटी में थे, एक सीट भी, याद करिए 2014 में जैसे 14 को जमानत जब्त हुआ था ना, अभी 16 को सीट लाएंगे ना तो 16 जमानत इनका जब्त हो जाएगा, यही हाल होने वाला है इनका। मोदी जी के 9 साल से कितना संतुष्ट है आप लोग? मोदी जी की तो बात ही मत करिए। अच्छा, क्या दिक्कत है मोदी? मोदी जी तो जो किए हैं ना, शायद वाकई कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। अच्छा। इतना वो कर दिए, कर दिए। जीवन में 9 सालों में महंगाई 4 गुनी नहीं हुई थी, वो हो गया। आज तक जीवन में बिहार, भारत के लोग इतने बेरोजगार नहीं थे। हर घर में एक समय था कि हर घर में एक नौकरी था, आज हर घर के लोग बेरोजगार हैं। तो वाकई ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था 9 सालों में, ना आज तक ये जनता से मुखातिब होकर बातचीत की है। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे इन्हीं के पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो, आज भी हम उनका तारीफ करते हैं कि वो भी जनता से बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन 9 साल में ये सिर्फ अपने ही मन की बात कहते रह गए। आज तक कभी जनता के मन की बात सुने ही नहीं कि जनता क्या चाहता। तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो तो बता रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो सिर्फ। हाँ, ये बात सही बोले, उनका जो ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए लागू होता है। बीजेपी पार्टी का एगो कुत्तो रहेगा ना, और बीजेपी में जुड़ जाएगा तो उसका विकास तय है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं है तो आपका विकास होना असंभव है। आम जनता का विकास हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए ना। बिहार में 15 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में रही जेडीयू, क्या विकास हुआ बिहार का? आप बताइए क्या विकास हुआ बिहार का? तो बिहार आपके अच्छे दिन आ गए। आज भी बिहार में बेरोजगारी, इस साल भर छोड़ दीजिए, इस साल भर के पीछे चले जाइए, आज भी बिहार में बेरोजगारी, आज भी बिहार के लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, आज भी बिहार में क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। बोले थे कि 2022 में सबको पक्का का मकान होगा, आप जाइए गांव में और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, कितने लोगों के पास पक्का का मकान है, कहां गया इनका वादा। ये बोले थे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, आय क्या दुगनी करेंगे, किसान का क्या हालत है वो जाके देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किए। बोले 15 लाख युवाओं को 15 लाख खाते में देंगे, कहां गया 15 लाख। बोले 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना था, कहां है 18 करोड़ रोजगार? आप ही हमें बता दीजिए ना कि मोदी जी ने क्या किया। हाँ, मोदी जी एक काम बहुत अच्छा किए, पूछिए क्या? कांग्रेस के राज में जो पैसा लूटा था नीरव मोदी, विजय माल्या और कौन कौन था, वो सबको बिहार से भगा दिए कि पैसा तो तुम लूट लियो, अब यहाँ से निकल लो, झोला उठाओ और निकल लो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बता रहे राम राज आ गया, देश विश्वगुरु बन गया है, देश का डंका विदेशों में बज रहा है। कहाँ भी आपने सुना है विदेश में बज रहा है? विदेश में बजाते हैं इन्हीं, यही गोदी मीडिया जाके माइक लेके खुद बोलते हैं कि देखो बज रहा है। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ मोदी जी का, हाय हाय हो रहा था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, कुछ दिन पहले का वीडियो है ये, आप देखने की चीज है, आप देख सकते हैं। अमेरिका का प्रधानमंत्री जो कौन था, जस्टिन जो आया था यहाँ पे G20 में, वो जाके यहाँ का बुराई कर रहा था कि वहाँ तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का वैल्यू नहीं है, मोदी जी अंदर एंट्री नहीं दिए थे। कहाँ विदेशों में हो रहा है, जरा आप एक प्रमाण दिखाई ना। विश्वगुरु बन रहा है, कैसे विश्वगुरु बनेगा? विश्वगुरु बनने के लिए सबसे पहले सर्वोपरि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, राम राज्य का मतलब होता है महिलाओं का सम्मान। सब बोलता है कि सीता और द्रौपदी के कारण हुए रामायण और महाभारत, ये सब बोलते हैं, लेकिन असल में सीता और द्रौपदी के अपमान के कारण हुए रामायण और महाभारत, ये कोई नहीं बोलता है। सब बोलता है कि सीता और द्रौपदी के कारण हुए रामायण और महाभारत, लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि सीता और द्रौपदी के अपमान के कारण हुआ रामायण और महाभारत। अगर द्रौपदी का अपमान का वो लोग नहीं करता कौरव, तो महाभारत नहीं होता, और अगर सीता जी का अपमान रावण नहीं करता तो रामायण नहीं होता। तो असल में जहाँ महिलाओं का अपमान होता है उसको राक्षस राज कहा जाता है, और आज हमारे देश में महिलाओं का सरेआम अपमान हो रहा है। तो आप बताइए हमें कि ये राम राज्य है कि रावण राज्य है, ये आप बताइए। चाहे यहाँ पे मौजूद जो जनता है उनसे पूछिए कि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो, आज वो राम जी को लाया, सीता जी को कहाँ छोड़ दिए? राम ये सीता जी को राम खुद ये बोल के गए थे कि जब भी आपका मेरा नाम लिया जाएगा, हमारे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। आज सीता राम किसके जुबान पे है आप हमें दिखाइए, भाजपा वालों के, RSS वालों के मुँह पे वो जय श्री राम क्यों बोलता है? क्योंकि वो कितने भी RSS वाले हैं वो महिला का अपमान करते हैं, महिला का अपमान करते हैं। क्या लग रहा है मोदी जी के राज्य में महिला सुरक्षित है? नहीं नहीं है। नहीं, कैसा रहा इनका कार्यकाल, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मोदी जी का कार्यकाल अच्छा रहा? नहीं जी, आप तो बता रहे बहुत अच्छा रहा। कहाँ रहा है, आप किनके बारे में पूछ रहे हैं? मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में बार बार आप पूछते रहते हैं, हमको समझ से बाहर है उनका। अच्छा, समझ से बाहर है? हाँ, समझ से बाहर है। आप क्या कहेंगे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं? क्या बेमिसाल है? बेमिसाल नहीं है। क्या बेमिसाल है? वो तो बता रहे बेमिसाल है।
वो जो बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चले जाएंगे, लेकिन असल में ये बात है कि लोगों को हवाई चप्पल तक नहीं जुट रहा। अच्छा, हवाई चप्पल तक नहीं जुट रहा। हवाई चप्पल तक नहीं जुट रहा। अच्छा, तो नीतीश और मोदी की जोड़ी 24 में कमाल कर पाएगी क्या? कुछ नहीं कमाल कर पाएगी। कमल खिलेगा 24 में? कुछ नहीं, कमल कैसे खिलेगा? खिलेगा, एको सीट नहीं आएगा। कमाल के बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे बिहार में तो नीतीश कुमार को जानते हैं, वो अपना गांव में खड़ा हो जाएगा, वार्ड सदस्य भी नहीं जीतेंगे। वार्ड सदस्य भी नहीं जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हमको खड़ा कर दीजिए उनका गांव में, अच्छा तो अगला को खड़ा कर दीजिए, कोई भी जनता को, और वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या बोले, तेजस्वी यादव 400 सीट लाएगा? 400 सीट लाएगा? 40 सीट लाएगा हमारी लोकसभा में। 40 सीट तेजस्वी यादव? मोदी जी का जादू नहीं चलेगा क्या? मोदी जी के जादू तेजस्वी भी राना। अच्छा, मोदी जी के टक्कर में कोई है? तेजस्वी यादव कुछ नहीं लगेगा। लालू जी के तेजस्वी जी के टक्कर में ना, अब यह पायदा लेगा कोई। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं 24 में क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? शेर जो है ना वो कभी जानते हैं बिलाई नहीं रहता। शेर जो है ना कभी बूढ़ा हो जाएगा ना तो शिकार करना भूलता नहीं है। शेर जो है ना बूढ़ा हो जाएंगे लालू जी, लेकिन शिकार करना कभी भूलेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं 24 में क्या है? 24 में नीतीश कुमार 0/0। अच्छा, बेरोजगारों के साथ, इतना देश में बेरोजगारी है, जितना तेजस्वी जी नौकरी दे दिए, जितना तेजस्वी जी नीतीश के छवि रह गया, क्या छवि है आने वाला? देखिए बिहार में शराब लेके जा रहे हैं, देखिए ना बता रहे हैं। मोदी जी एकदम मोदी की एकदम नीतीश कुमार आएंगे, मोदी के साथ जुड़ गया तो एकदम बनेगी यहाँ तेजस्वी यादव के बनेगी एकदम। नहीं एकदम चैलेंज, एकदम चैलेंज रहेगा नीतीश कुमार गांजा पी के उछलने तक रहेगा, एकदम चैलेंज रहेगा। मोदी लेके आएंगे नीतीश कुमार को, फिर से लेके आएंगे, फिर से आएंगे आएंगे एकदम वही रहेंगे। तेजस्वी यादव के सामने देखा दे, ये मतलब नहीं हुआ, वो अकेले नहीं लड़ते हैं, उनके आरजेडी का सरकार आएगा। देखा जाएगा कोई अकेले नहीं लड़ेगा, अकेले नहीं। मोदी जी आएंगे, तेजस्वी हो, मोदी जी आएंगे, कोई अकेले नहीं लड़ेगा, मोदी जी आएंगे, तेजस्वी के सामने सब बच्चा है। वो बता रहे मोदी जी आएंगे 24 में, ये तो समय बताएगा, आदमी को बताने से क्या है, पब्लिक को झूठ बांटे, बीजेपी बड़का झूठ बांटे। अच्छा, दू जो है ना वो चोर है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार चोर है गंजहेरी है। अच्छा, पलटू राम है गंजेरे, पलटू राम गंजेरी है, गांजा पी का पीता है, नशा लगता है तो चलो तो छटपटाल चलता है, भागेगा दूसरा घर में। अच्छा, कि कहीं ना दूसरा कोई मार लगे। नीतीश कुमार चोर है। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, आरजेडी का है राष्ट्रीय जनता दल जो है ना, वो गरीब के लिए है। क्या लग रहा भाई साहब, मोदी जी का जादू चलेगा? है नहीं चलेगा, लालू प्रसाद यादव के चलेगा, तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद यादव के चलेगा। हाँ, तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप को चलेगा। आप क्या कहेंगे, अब मोदी जी के टक्कर में कोई लगेगा इस बार? कोई नहीं लड़ेगा। अच्छा, कोई नहीं, मोदी जी का जादू तब चलेगा ना? मोदी जी का कुछ, अरे आने वाला समय में मोदी जी देखिएगा रोड पे आ जाएंगे, 24 में आएंगे लेकिन वो रोड पे आ जाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देख लीजिएगा नीतीश जी, देखिए 24 में आते लेकिन नीतीश जी और जाके छवि खराब कर दिए। जो नीतीश कुर्सी कुमार बनते हैं, आने वाला समय में कुकुर कुमार हो जाएंगे, देख लीजिएगा कुकुर कुमार हो जाएंगे। क्या ये सरकार चल पाएगी नीतीश कुमार मोदी जी का? बस 6 महीना बाद, क्या बोले 6 महीना बाद, 15 तारीख को ये सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाएगा, गिर जाएगा। कई लोग किस तरीके से जो है 24 चुनाव को लेकर, हमने जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप आरजेडी समर्थक है? समर्थक नहीं है, जनता को सेवा करने वाला है। अच्छा, हम समर्थक किसी का नहीं है, ना आप है ना कोई नहीं है, सिर्फ काम खोजता है। समर्थक नहीं है, हम नहीं बोलते हैं कि आरजेडी जिंदाबाद, ये तमाम जनता बोलती है, बोलता है पूरे बिहार और गरीब जनता, पूरे बिहार का मसीहा लालू यादव, बेतिया मोतिहारी अररिया फारबिसगंज चौकबनी सब जगह आरजेडी है, सब जगह आरजेडी, आरजेडी पूर्णिया में अकेले। बीजेपी तो मुर्दा पार्टी है, मुर्दा पार्टी, मुर्दा 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 ऐसे।
देखिए किस तरीके से लोग कितने समर्थक नहीं है भैया आरजेडी का, समर्थक नहीं, सिर्फ जनता को सेवा चाहिए। अच्छा सेवा चाहिए। हाँ, आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? अपना। जनता का मतलब क्या हुआ? पब्लिक। आरजेडी डी का मतलब क्या हुआ? कि आप सबको खतरनाक से। अरे बीजेपी भी तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता का बड़का झूठा पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? अरे झोला, बड़का झोला पार्टी, झोला पार्टी, झोला 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 में रुपया ले लेके सारा विदेश जाएगा, एक एक करोड़ दो दो करोड़ का कोट पहनेगा, और वही एक करोड़ दो करोड़ रुपया बिहार में चाहे तो हर जगह पर अपना देश में वो लगाते हैं पैसे को, तो सब लोग को रोजगार मिलेगा। अच्छा ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग कितने आक्रोशित हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं 24 चुनाव को लेकर, लोगों की क्या राय है हमने आपको दिखाया, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।